नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी राशि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरे 666 साल के बाद भगवान विष्णुदेव और भगवान भोलेनाथ ने आपका भाग्य बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं क्या क्या परिणाम निकल कर आप सभी के जीवन काल में आएंगे, आखिर कौन से क्षेत्र में इस राशि वाले जातकों को सफलता मिलेगी, कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य आपको अब बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिसे दोस्तों इस राशि वाले जातकों को बचना चाहिए, क्या क्या आपको सावधानी यश में आपको रखना चाहिए, दोस्तों इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना कीजिएगा और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये हम आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जीवन के वे सबसे बड़ी जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें दोस्तों अगर आप जान लेंगे तो दोस्तों आपका आने वाला कल बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ होगा। जी दोस्तों, आपके जीवन काल में आगे ना बढ़ने की कौन सी गलतियाँ हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी दोस्तों, और इसके साथ दोस्तों आप सभी के जीवन काल में ग्रहों की भी क्या स्थिति होगी, उनका प्रभाव भी क्या होगा, इन सभी की विस्तृत जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक समय निकालकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो बड़ी होगी लेकिन दोस्तों आने वाले आपके जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखना आपका दायित्व होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जय भोलेनाथ लिखेगा, गुरु जी का भगवान शनिदेव और भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस राशि वाले जातक पिछले कई वर्षों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों बात करें अगर 2021 की, तो दोस्तों 2021 के 5 से 6 महीना लगभग बहुत ही ज़्यादा खराब बीता है, परंतु दोस्तों 2021 आप सभी के लिए खुशियां लेकर बिल्कुल भी नहीं आया था, जिसे दोस्तों इस राशि वाले जातकों की आशाएं टूट चुकी है। इसलिए दोस्तों अभी ग्रहों की स्थिति आपके जीवन काल में कैसी है, ग्रहों की परिस्थिति कैसी है, तो दोस्तों वे क्या संकेत दे रहे हैं, क्या होने वाला है इस राशि वाले जातकों के साथ, और दोस्तों वह कौन सी गलती है इस राशि वाले जातक जो कि लगातार करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार अगर हम बात करें तो दोस्तों इस राशि वाले जातकों में सब्र की बहुत ही कमी पाई जा रही है। यानी कि दोस्तों इस राशि के अगर आप जातक हैं तो दोस्तों इस बात को आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, जी दोस्तों ये आपकी सच्चाई है, परंतु दोस्तों आपको बता दें हर क्षेत्र में बहुत ही जल्दीबाजी आपको रहती है। नौकरी व्यापार अगर आप कर रहे हैं, नई व्यापार आपने अगर शुरू किया है, तो दोस्तों आपको लगता है कि 2 दिन में ही करोड़पति बन जाएं। यानी कि दोस्तों जो भी आप कार्य करते हैं उनमें आपको लगता है कि 2-4 दिन में ही हमारा व्यापार निकल पड़े, लाभ हम उतना कमाएं कि दोस्तों हम दूसरे को पीछा छोड़ दें। दोस्तों ऐसी भावना रखकर जीवन में आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो दोस्तों अभी से ही अपने जीवन काल में आप इन्हें सुधार करें। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपने कोई व्यापार शुरू किया है या फिर नया नौकरी ज्वाइन की है, तो दोस्तों किसी भी प्रकार के बदलाव अपने जीवन काल में आपने किए हैं, तो दोस्तों थोड़ा सब्र के साथ आप कार्य करें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सब्र रखकर आप धीरे धीरे अपने जीवन काल में सोचते रहिए, आपकी जीवन की जो गाड़ी है वह ऊंचाइयों को छूने लगेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे बड़ी गलती पाई जाती है कि आप एक साथ बहुत ही दूर की सोच लेते हैं। दोस्तों आप बहुत बड़ा और बहुत ही कम समय में कुछ करने की प्रयास करने लगते हैं। दोस्तों ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्यों दोस्तों मेहनत में आप थोड़ी कमी रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि छोटे से छोटे कार्य में अपना 100% दें, बहुत ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करें। उसी के साथ दोस्तों किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझें और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ आप कार्य करें, क्योंकि दोस्तों आपकी छोटी सी गलती, आपकी लापरवाही आपके दुश्मनों, आपके विरोधियों को बहुत ही बड़ा अवसर प्रदान कर देती है।
आपको नुकसान पहुंचाने का, आपको पीछे छोड़ने का। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, आप अपने विरोधियों को एक भी अवसर ना दें। दोस्तों आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप छोटा काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, दोस्तों उसमें आप मन लगा कर करें। आप में जितनी भी शक्ति है, जितना भी प्रयत्न आप कर सकते हैं, उसमें दोस्तों 100% योगदान देने का आप प्रयास करें। तो दोस्तों इस बात को सोच लें कि जो आप कर रहे हैं आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता, या फिर कोई किसी ने किया भी नहीं है। ये दोस्तों इसी सोच के साथ, अच्छे बुद्धि के साथ संयम बनाकर अगर आप कार्य करेंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इस राशि के जातकों की ग्रह दशा बता रही है कि दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको जो है मन के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जो आपने लक्ष्य सोचे हैं वह बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। आपके मेहनत का फल आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं और लक्ष्य आपके सामने बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। दोस्तों घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, उनका आशीर्वाद और फिर सहयोग आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचारू रूप से यश में संपन्न होते जाएंगे। साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कभी कभी अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है, परंतु दोस्तों बाहरी गतिविधियों को यश में नजरअंदाज ना करें, उनसे आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। यश में किसी को पैसे उधारी में ना दें, इनसे आप परहेज करें। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे, आपका पैसा यश में फंस सकते हैं, तो दोस्तों इनसे आप यश में सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपको दिन भर की ताजगी व फिर उत्साह भरा समय महसूस होगा। काम करने का जज्बा जारी रहने की वजह से बड़ी जिम्मेदारियों को ठीक से आप यश में निभा भी पाएंगे। मित्र परिवार से भी किसी भी बड़ी समस्या का हल निकालने में आप कामयाब रहेंगे और उनमें आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि काम से संबंधित तनाव कम होने की वजह से आप यश में बहुत ही अच्छा महसूस करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में काम के बच्चा अपने व्यक्तित्व तथा रुचि संबंधी गतिविधियों पर समय व्यतीत आप करेंगे। ऐसा करना आपके अंदर दोबारा नई ऊर्जा का संचार करेगा तथा रोजमर्रा की थकान से भी आपको राहत देने वाले हैं। आपको अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण व फिर उच्च सोच द्वारा कोई उपलब्धि भी यश में हासिल होंगी। इसके उपरांत दोस्तों किसी भी पारिवारिक सदस्यों के वैवाहिक जीवन में विघटन संबंधी समस्या उत्पन्न होने की संभावना बन रही है, इससे थोड़ा सा तनाव भरा माहौल भी रहने वाले हैं, परंतु दोस्तों आपकी सलाह व फिर सुझाव से काफी हद तक समस्या का समाधान भी निकलने वाले हैं। दोस्तों रुपये पेशे के मामले में भी किसी भी प्रकार का यश में किसी पर विश्वास ना करें, किसी पर यश में आंख मूंद कर विश्वास करना आपके लिए बहुत ही नुकसानकारक होगा। तो दोस्तों इन बातों पर आपको यश में गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके द्वारा रखे हुए हर लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी जिद आपको तनाव और स्थिरता दे रही है। दोस्तों यश में आपको एक समय पर एक ही काम को करना चाहिए और पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करना चाहिए। योजना पर टिके रहने के लिए आपको अपने अंदर समय बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। कुछ बातों में तुरंत प्रगति नजर न आना आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि यह कार्य आपके लिए भविष्य में बहुत ही लाभकारक साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मानसिक सुकून के लिए किसी धार्मिक स्थल पर आप कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। साथ ही संतान के करियर संबंधी किसी समस्या का हल भी मिलने से आपका तनाव दूर होगा। अगर कोई भवन निर्माण संबंधी कार्य रुका हुआ है तो दोस्तों उसके संदर्भ में कोई कार्य हो सकता है, उनकी योजना बनाने का उचित समय है, इनमें आप कार्य करें, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ नजदीकी संबंधों को लेकर मन में आपका भ्रम अथवा हताशा जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, स्थिति भी यश में बन सकती है। अपने विचारों में धैर्य व फिर अस्थिरता बनाकर रखें। इसमें दोस्तों ये जो समय है आपके लिए यात्रा संबंधी कोई भी गतिविधि स्थगित रखना आपके लिए उचित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों परिवार के किसी व्यक्ति के साथ हो रहे विवाद कम होंगे और आपसे सामंजस्य भी इसमें बहुत ही अच्छे रहेंगे। दोनों व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न किया जा सकता है कि अपने पारिवारिक जीवन को या फिर अपने संबंध को और भी बेहतर रखें। परिवार के किसी व्यक्ति की सेहत में अचानक से सकारात्मक बदलाव नजर आएगा, विशेषता बच्चों के बर्ताव में आपको सकारात्मक बदलाव इसमें नजर आने वाली है।
इसको प्राण दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा आपको अपने कार्य या फिर अपनी योग्यता पर ही विश्वास करना चाहिए। आपको बता दें कि यश में आपकी बहुत सी परेशानियां का हल आपको प्राप्त होगी और वो आप स्वयं ही खोज लेंगे। दोस्तों यश में निकट संबंधियों के साथ उनके घर में आगमन से किसी विशेष मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श भी होगा और कोई उचित समाधान भी यश में आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अभी कुछ वर्षों से आप लोगों में बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। आप लोगों ने मेहनत करना धीरे धीरे छोड़ दिए हैं जी दोस्तों, और यही बदलाव आपकी कमजोरी भी बन रही है और यही बदलाव आपके दुश्मनों को भी नया रास्ता दे रही है आपको पीछे छोड़ने का। तो दोस्तों वर्तमान परिस्थितियों को आप सुधारें, अपने जीवन काल में जल्दबाजी ना करें, हर प्रकार के कार्यों में ध्यान लगाकर करें और मेहनत करने का पुनः प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों बिना मेहनत से कोई भी सफलता आपके पास आने वाला नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी को दूर करने के लिए अब महादेव और शनिदेव की पूजा आराधना जरूर करें। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप संकट में हो तो दोस्तों भगवान शनिदेव और महादेव को जरूर याद करें जी दोस्तों। यह बात अगर आपको यकीन ना हो तो दोस्तों एक बार आप जरूर आजमाइएगा। जब भी आप घोर संकट में हैं तो दोस्तों वश में आप ईश्वर के स्मरण जरूर करें, भगवान शनिदेव महादेव की, तो दोस्तों वश में आपको कोई ना कोई नया रास्ता जरूर मिलेगा जिससे आप दोस्तों मुसीबतों से बाहर हो जाएंगे।